बिहार में चुनाव का मुद्दा भोजन बनेगा। तेजस्वी यादव क्या खाते हैं ये बीजेपी वाले बड़े गौर से देखते हैं। किस दिन मटन खाया, किस दिन मछली खाई, सब कुछ नोट हो रहा है। बिहार की पॉलिटिक्स में आज मछली सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। दरअसल ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसमें ट्विस्ट और ट्विस्ट है। हेलीकॉप्टर में तेजस्वी यादव, बगल में मुकेश सहनी, हाथ में थाली, थाली में मछली और बिहार से दिल्ली तक सियासी हंगामा शुरू हो। रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। थाली में मछली, मछली का कांटा, रोटी, नमक, मिर्च और प्याज दिखाई दे रही है। नौ अप्रैल से चैत नवरात्र शुरू है। तेजस्वी यादव को भी पता है नवरात्र में भक्त प्याज लहसुन से दूरी बना लेते हैं, मछली तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी यादव ने मछली का लुत्फ उठाते हुए वीडियो अपलोड किया। अपने एक्स पर यह भी बताया कि वीडियो 8 अप्रैल 2024 का है, मगर इसे अपलोड किया 36 घंटे बाद नवरात्रि के पहले दिन रात 11:36 पर। हम लोगों को ये 10-15 मिनट मिला है जो हम लोग लंच कर सके, तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। एक कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। साल में दो बार नवरात्रि आती है, लेकिन आज तक कभी तेजस्वी ने ऐसा वीडियो पोस्ट नहीं किया। इस बार चुनाव है इसलिए ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ है। बीजेपी तेजस्वी यादव पर धर्म विशेष के लोगों को खुश करने का आरोप लगा रही है और धर्म विशेष का वोट पाने के लिए हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ का संगीन आरोप मढ़ रही है। कुछ लोग सनातन के संतान बनते हैं लेकिन सनातन के संस्कार को अपना नहीं पाते। खान पान पर मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन सावन में भी मटन बना के खाना और खिलाना, आज नवरात्रा के अवसर पर आप जिस तरह से मछली खाते हुए ट्वीट करके क्या दिखाना चाहते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति, वोट के लिए इतनी गिरावट। सवाल खाने का नहीं, सवाल वीडियो पोस्ट करने की टाइमिंग पर, क्योंकि चुनाव में बिना बात बिना मकसद कोई कुछ नहीं करता है। तेजस्वी का मछली खाने वाले वीडियो पर बवाल बढ़ा, हिंदुओं के रिएक्शन आने लगे, सोशल मीडिया पर बवाल मचा, तो तेजस्वी एक और नई थ्योरी लेकर आ गए। आईक्यू टेस्ट, बेचारे, अंधभक्त, मिर्ची लगी जैसे शब्दों से हिंदू वोटर्स को मैनेज करने की कोशिश करने लगे। वीडियो में मुकेश सहनी जी ने बताया कि मिर्ची लगेगी, मिर्ची लगेगी और मिर्ची लग चुकी है। और दूसरी बात सुनो, ट्वीट में हमने दिनांक दे रखा है, डेट का जिक्र किया है, जो वीडियो डाला है उसमें 8 तारीख का जिक्र कर रखे हैं। और हम तो आईक्यू टेस्ट भाजपा के नेताओं का और अन्य भक्तों का ले रहे थे, जिसमें कि हम सही साबित हुए हैं। धर्म की जहां तक बात आती है, कूद गए हैं सब, लेकिन इनके बेचारे नेता ना तो पढ़ते हैं ना इनको कुछ समझ में आता है, एकदम अज्ञानी लोग हैं। तेजस्वी बीजेपी नेताओं को अज्ञानी, ट्रोलर्स, अंधभक्त बता रहे हैं, लेकिन उनके साथ मुकेश सहनी तो डंके की चोट पर खाने की बात कर रहे हैं। और हम लोग खाएंगे, आप मुझे कोई एतराज नहीं है, खाने का चीज है वो खाए नहीं। और रहा, हमने तो पहले कहा कि कुछ लोगों को मिर्ची लगेगा, हमने उसमें कहा कि कुछ लोगों को मिर्ची लगेगा। तेजस्वी आईक्यू टेस्ट कर रहे हैं तो पब्लिक यादव परिवार की धार्मिक टाइमलाइन को चेक कर रही है। आरजेडी से न तेजस्वी यादव राम मंदिर गए, न लालू यादव राबड़ी देवी, यहाँ तक कि कभी कृष्ण कभी शिव का रूप धारण करने वाले तेज प्रताप भी रामलला का दर्शन करने कभी नहीं गए। बहन रोहिणी आचार्य सिंगापुर से चुनाव लड़ने बिहार आ गई, लेकिन रामलला का आशीर्वाद लेने अयोध्या नहीं गई। इससे पहले साल 2023 में सावन में लालू और राहुल की मटन पार्टी का वीडियो सामने आया था, जब राहुल गांधी ने लालू से सिर्फ मटन बनाना ही नहीं सीखा बल्कि खाया भी था। और अब बीजेपी यही आरोप लगा रही कि लालू परिवार जानबूझकर हिंदुओं के आस्था से खिलवाड़ करता है। धर्म निरपेक्षता का मतलब ये कहीं नहीं है कि अपने धर्म का अपमान करें, अपने लोगों को हतोत्साहित, डिमोरलाइज करें,
ये मानसिकता कभी किसी को लाभ नहीं देता और तुष्टिकरण की राजनीति अब देश में नहीं चलेगी। तेजस्वी यादव बीजेपी वालों का टेस्ट ले रहे, उनका आईक्यू चेक कर रहे, लेकिन पब्लिक आरजेडी के प्रत्याशियों के लिस्ट चेक कर रही है। कितने बाहुबली हैं, लालू ने अपने परिवार के कितने लोगों को टिकट दिया है। बिहार में आरजेडी 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 23 में से 22 प्रत्याशियों के लिस्ट जारी कर दी गई है, सिवान अभी खाली है। इस लिस्ट में दो खास उम्मीदवार हैं। लालू ने पाटलिपुत्र से अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती को टिकट दिया है, तो सारण सीट से दूसरे नंबर की बेटी रोहिणी आचार्य को लालू यादव पहली बार डायरेक्ट लोकसभा चुनाव में उतारे हैं। बिहार समेत पूरे देश में परिवारवाद बीजेपी का सबसे बड़ा सियासी मुद्दा है, लेकिन आरजेडी अपने परिवार के जरिए ही बिहार में बीजेपी के विजय रथ को रोकने की कोशिश में है। आरजेडी के इस लिस्ट में दो और नाम बेहद चौंकाने वाले हैं। दोनों का बाहुबली बैकग्राउंड है। पहला विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, आरजेडी ने वैशाली से मैदान में उतारी है, तो दूसरा नाम जहानाबाद से प्रत्याशी सुरेंद्र यादव का है। सबसे पहले बात विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला की करते हैं। मुन्ना शुक्ला को आरजेडी तीसरी बार मैदान में उतारी है। इससे पहले दो बार मुन्ना शुक्ला इस सीट से चुनाव हार चुके हैं, और इस बार वैशाली की सीट पर मुन्ना शुक्ला की लड़ाई एलजेपी आर की प्रत्याशी वीणा देवी से है। एक समय था जब मुजफ्फरपुर और वैशाली में मुन्ना शुक्ला का नाम लेने से लोग कांपते थे। दावा किया जाता है कि एक समय मुन्ना शुक्ला का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड डॉन से भी रहा। मुन्ना शुक्ला पर अपहरण फिरौती समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अभी भी वो जमानत पर जेल से बाहर है। 3 जून 1998 में बिहार के तत्कालीन मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या में मुन्ना शुक्ला का नाम आया था। हालांकि 25 जुलाई 2014 को हाईकोर्ट ने हत्या के आरोप में बरी कर दिया। आरजेडी बीजेपी को रोकने के लिए शाम दाम दंड भेद वो सभी हथकंडे अपनाने में जुटी है। जहानाबाद से आरजेडी प्रत्याशी सुरेंद्र यादव पर भी 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इसमें हत्या की साजिश, दंगा भड़काना, आर्म्स एक्ट, अधिकारियों से मारपीट जैसे गंभीर आरोप हैं। सुरेंद्र यादव लालू यादव और तेजस्वी के करीबी माने जाते हैं, और लालू यादव ने इस बार लोकसभा चुनाव में उतार कर उन्हें करीबी होने का इनाम दे दिया है। सुरेंद्र यादव 7 बार विधायकी का चुनाव जीत चुके हैं, 2 बार जेडीयू से तो 5 बार आरजेडी से विधायक रहे। जहानाबाद सीट पर सुरेंद्र यादव की फाइट जेडीयू के चंद्रेश्वर प्रसाद से है, लेकिन सवाल यह कि आरजेडी की टिकट पर सिवान से कौन चुनाव लड़ेगा। सिवान सीट पर शहाबुद्दीन का दबदबा रहा है। हिना शहाब 2019 में आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ी थी, इस बार भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है, लेकिन आरजेडी से टिकट नहीं मिलने के कारण अब शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब निर्दलीय चुनाव लड़ सकती।